नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है 18 इंच बेस स्पीकर के बारे में, जो कि 4 इंच इन आउट वॉइस कॉइल के साथ में आता है। तो मैं आपको 5 स्पीकर बताऊंगा जो आपको आसानी से अपने एरिया में मिल सकता है, और इस वाले स्पीकर का प्राइस जो है 9000 से लेकर के 13000 के अंदर मिल जाएगा। और इन स्पीकर्स में आपको बहुत ही अच्छा पंच और लॉन्ग थ्रो मिल जाएंगे। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसके लिए कौन से एम्पलीफायर का यूज़ आप कर सकते हैं, कितने वाट के एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। और इसके बारे में बहुत से भाइयों ने कमेंट किया था कि 1000 वाट के स्पीकर के बारे में वीडियो बनाइए जो कि 4 इंच वॉइस कॉइल में हो और इसका क्वालिटी अच्छा हो। तो आइए बात करते हैं उन स्पीकर्स के बारे में। और ये स्पीकर आप लाइव प्रोग्राम और डीजे सिस्टम दोनों में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 4 इंची वॉइस कॉइल में है तो आप इसे लाइव प्रोग्राम में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भाई नए हैं और कम वाट के स्पीकर सिस्टम से अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए यही स्पीकर बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा 2 स्पीकर या फिर 4 स्पीकर के लिए कौन सा एम्पलीफायर लगेगा, कितने वाट का एम्पलीफायर लगेगा। तो चलिए देखते हैं स्पीकर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्पीकर है हमारा आउजा का L18SW800, जो कि एक 800 वाट के स्पीकर है। और इसे मैंने अपने लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये स्पीकर भी 1000 वाट से कम नहीं है। अगर आप एक 4 इंची वॉइस कॉइल वाले 1000 वाट का स्पीकर चलाएंगे और इस वाले स्पीकर को चलाएंगे तो लगभग आपको सेम क्वालिटी ही मिलेगा, इसीलिए मैंने ये स्पीकर ले रखा है। आप जानते ही हैं, अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है, इसमें आपको अच्छा पंच मिलेगा और 800 वाट इसका RMS पावर है। लेकिन आप इसके लिए ऐसा एम्पलीफायर का यूज़ कीजिए जो आप 1000 वाट के स्पीकर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी देगा। एडवांस पे काम करता है, वॉइस कॉइल 4 इंच का होता है इन आउट वाइंडिंग के साथ, 8 mm इसका XMX है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा पंच आपको मिल जाएगा। और बात करें इस वाले स्पीकर के प्राइस की, तो इस वाले स्पीकर का प्राइस आपको 10000 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है क्योंकि अभी प्राइस बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, यही स्पीकर काफ़ी अच्छा है। अगर आप लाइव प्रोग्राम या डीजे सिस्टम दोनों में यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको क्वालिटी मिल जाएगा। लॉन्ग लाइफ चलने वाला स्पीकर है, 4 से 5 साल भी अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो इसमें साउंड क्वालिटी कम नहीं होता है। और जो भाई आवाज़ यूज़ करते हैं उनको तो पता ही है। और यहीं पे रिक्वेस्ट है, जो भाई इस वाले स्पीकर के यूज़ करते हैं वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इस टाइप के 4 स्पीकर को चलाने के लिए कौन से एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्पीकर है हमारा डीजे प्लस का, मॉडल नंबर है RCS18 1000, एक 1000 वाट का स्पीकर है, 4 इंची वॉइस कॉइल में आता है इन आउट वाइंडिंग के साथ, कॉपर वॉइस कॉइल होता है। काफ़ी अच्छा पंच इसमें आपको सुनने को मिलेगा और इसे भी आप लाइव प्रोग्राम या डीजे सिस्टम दोनों में यूज़ कर सकते हो। इस स्पीकर को खास करके डीजे सिस्टम के लिए बनाया गया है, काफ़ी अच्छा स्पीकर है, इसे मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत ही अच्छा स्पीकर है, आप ले सकते हैं। और इस वाले स्पीकर का प्राइस जो है अभी मार्केट में 12000 के आसपास है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। काफ़ी अच्छा स्पीकर है, ले सकते हो। नेक्स्ट स्पीकर है स्टूडियो मास्टर का TWF18 100, ये भी एक 1000 वाट का स्पीकर है स्टूडियो मास्टर का, एटोम्स पे काम करता है, 4 इंच का इनसाइड आउटसाइड वाइंडिंग वाला वॉइस कॉइल होता है, कॉपर का वॉइस कॉइल होता है। काफ़ी अच्छा स्पीकर सिस्टम है इसे, हालांकि कंपनी 1000 वाट बोलती है लेकिन आप इसे 800 वाट के आसपास मान के चले, 800 वाट ये आपको प्रॉपर दे देगा। काफ़ी अच्छा स्पीकर है, फुल रिकमेंड करता हूँ, इसे भी आप डीजे सिस्टम या लाइव प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जो भाई इस वाले स्पीकर के यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताना कि इस वाले स्पीकर की क्वालिटी कैसी है और आप इसके लिए कौन से एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। और बात करें ही इस वाले स्पीकर के प्राइस की, तो ये वाला स्पीकर आपको अप्रॉक्स 10000 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्पीकर है PRDO का GST 18-1200, और ये थोड़ा सा हैवी स्पीकर हो जाता है, 1200 वाट AS पावर है लेकिन एक्चुअल में ये 1000 वाट के ऊपर काम करेगा, क्योंकि RMS पावर में अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वाट इसका RMS पावर होता है। और इस वाले स्पीकर का प्राइस मार्केट में अप्रॉक्स 13000 के आसपास आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा स्पीकर है, 4 इंच का वॉइस कॉइल है, इन आउट वाइंडिंग के साथ में आता है, कॉपर वायर का यूज़ किया गया है वॉइस कॉइल में, बाकी डिटेल्स आपके सामने है। काफ़ी अच्छा स्पीकर है, ले सकते हैं, जो भाई यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, इसे भी आप डीजे सिस्टम या लाइव प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पीकर है स्वीटन का 18PT 1000, 1000 वाट का स्पीकर एरियस पावर के साथ में आता है लेकिन आप इसे 800 वाट के आसपास मान के चले, काफ़ी अच्छा स्पीकर है, एटोम्स पे काम करता है, 4 इंची वॉइस कॉइल है, इनसाइड आउटसाइड वाइंडिंग वाला वॉइस कॉइल होता है, कॉपर का वॉइस कॉइल है। काफ़ी अच्छा इसमें आपको क्वालिटी मिल जाएगा, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा पंच और लॉन्ग थ्रो सुनने को मिलेगा। वैसे इनमें से मैंने जितने स्पीकर बताए हैं इसमें आपको लॉन्ग थ्रो और पंच काफ़ी अच्छा मिलेगा, आप कोई भी स्पीकर बिंदास होकर के ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो ये स्पीकर भी बेस्ट है, और इस वाले स्पीकर का जो प्राइस है वो अभी मार्केट में अप्रॉक्स 8,500 से 9,000 के आसपास है, तो प्राइस रेंज में ये बेस्ट स्पीकर है। आप इनमें से कोई सा भी स्पीकर का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो लाइव प्रोग्राम हो या फिर डीजे सिस्टम हो। जो भाई न्यू सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं इन स्पीकर से स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पीकर है,
कोई भी आप ले सकते हो। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि इन स्पीकर्स के लिए चाहे वो दो स्पीकर हो या फिर चार स्पीकर हो कौन सा एम्पलीफायर लगेगा। अगर आप इसके दो स्पीकर या चार स्पीकर यूज करना चाहते हो तो आप किसी भी कंपनी के 5000 वाट का एम्पलीफायर यूज कर सकते हो, जिसमें आप पर्सनल एक स्पीकर भी चला सकते हो। और अगर आपको चार स्पीकर चलाना है तो आप उसमें चार स्पीकर भी यूज कर सकते हो, पर्सनल दो स्पीकर काफी अच्छे से चलेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, फुल क्वालिटी के साथ किसी भी 5000 वाट के एम्पलीफायर में। अगर आप डीजे सिस्टम में सीनियर हैं तो आप 6000 वाट के एम्पलीफायर के यूज़ करिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा हेडरूम बचेगा एम्पलीफायर में और आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी वहाँ पे सुनने को मिलेगा। और वैसे 5000 वाट के भी एम्पलीफायर में अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा, तो आप 5000 या फिर 6000 वाट किसी भी एम्पलीफायर में चार स्पीकर चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको 18 इंच में टॉप 5 स्पीकर बताया जो कि 4 इंची वॉइस कॉइल के साथ में आता है और इसके लिए एम्पलीफायर बताया, साथ ही साथ आपको इन स्पीकर का एप्रोक्स प्राइस बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना, और अगर आप इनमें से कोई से भी स्पीकर का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि इसकी क्वालिटी कैसी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप इन स्पीकर के लिए कौन से एम्पलीफायर का यूज़ करते हो और इसका रिस्पांस आपको कैसा मिलता है, और हो सके तो इसका प्राइस भी बताना कि जब आपने ये स्पीकर लिया था तो आपको इसका प्राइस कितना पड़ा था। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो लेकर के आते रहता हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।